हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज थर्मोडायनेमिक्स जो है टॉपिक की बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स पर हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से जाकर के बहुत सारे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो आज हमारी बात होगी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। इन दोनों वर्ड में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक है आपका माइक्रो, एक है आपका मैक्रो। ये दो तरीका है थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस है जिसमें हम एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है तो इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है ना। माइक्रो मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। तो जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी छोटे लेवल पर यानी मॉलिकुलर लेवल पर जाकर की जाती है तो वो स्टडी कहलाती है आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है ना। और जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा करके मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके पूरे थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से जो भी चीज़ें स्टडी की जाती हैं एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है ना। वही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर नहीं चेक करते हैं, हम किसी सिस्टम के एवरेज बिहेवियर को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम लेते हैं और सिस्टम में सारी चीज़ों को चेक करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में चेक करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स की स्टडी ना करके पूरे एवरेज बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और ये थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है, एवरेज बिहेवियर को हम देखते हैं सिस्टम में, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं जाते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपके जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, तो अगर एक एक स्टूडेंट के बारे में अगर टीचर देखते हैं, उस पर स्टडी करते हैं कि वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है ना, एक एक स्टूडेंट को अगर चेक किया जाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यही है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसमें एक एक को पकड़ कर आपको चेक करना है। और चूंकि सारे चीज़ें मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के स्टडी की जाती है। एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ कर उसको चेक किया जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो एक एक को चेक करना, उसका बिहेवियर चेक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। इसमें आपको मैथमेटिकल स्किल्स थोड़ी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, लेकिन अगर आप पूरे क्लास के बिहेवियर को एवरेज ले लें आप, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, सिंपल फॉर्मूला से काम चल जाएगा। इसलिए जो आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको स्टडी करना उतना आसान नहीं है। और ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, सिंपल फॉर्मूला से काम चल जाता है। तो ये थी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आई होप आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स से किसी नीट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।